दोस्तों, क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी चलता फिरता घर देखा है या फिर कभी किसी न्यूक्लियर बम को नजदीक से फटते हुए देखा है? शायद नहीं। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उसके लिए आपको न्यूक्लियर बम के फटने वाली जगह पर भी जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसका एक नमूना आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपने डायनासोर और छिपकली के बारे में तो जरूर सुना ही होगा। ऐसा कहा जाता है कि छिपकली डायनासोर के जमाने से ही धरती पर मौजूद है और उन्हीं के वंश में से एक है। जैसे तेंदुआ और बिल्ली के बीच में बड़ी और छोटी बिल्ली के रूप में पहचान की जाती है, ठीक ऐसे ही कोमोडो ड्रैगन सबसे बड़े रेप्टाइल्स में से एक है और ये इंसानों का शिकार तक कर सकती है। कोमोडो ड्रैगन का वजन लगभग 100 किलो या इससे भी ज्यादा हो सकता है और इसकी लंबाई 10 फीट से लेकर 15 फीट तक होती है और शिकार के समय तकरीबन 12 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये भाग भी सकती है। ये बेहद ही अलग दिखने वाली एक जीव है जो एकदम छिपकली जैसा ही दिखता है। अगर इसके रूपरेखा की बात की जाए तो ये जीव दिखने में बेहद ही गंदा और अजीब सा दिखता है। ऐसा बताया जाता है कि ये प्रजाति डायनासोर के परिवार से ताल्लुक रखती है और डायनासोर के समय से ही चली आ रही है। इसकी मोटी त्वचा, बड़े बड़े पंजे, पीले रंग की जीभ और जहरीली लार इन्हें और भी डरावना बनाती है। और अगर इसका विशाल शरीर देखकर आपको डर नहीं लग रहा तो आपको बता दूं कि इसके जबड़े में दो ग्लैंड मौजूद होते हैं जिसमें से ये टॉक्सिक सब्सटेंस निकलते हैं। जब ये कोमोडो ड्रैगन किसी जीव को काट भी ले तो वो गंभीर रूप से घायल होकर धीरे धीरे अपनी मौत की ओर बढ़ता चला जाता है। अगर आप इसके जहर का एक नमूना देखना चाहते हो तो जरा इस क्लिप को देखिए। इस मीट में कोमोडो ड्रैगन का जहर डाला गया है और आप ये देखिए कितनी बुरी तरह डिकम्पोज हो रहा है ये। सोचिए दोस्तों, अगर ये किसी इंसान के शरीर में चला जाए तो कितना खौफनाक होगा। दोस्तों, आप जरा इस क्लिप को देखिए। जी नहीं, यहाँ कोई रीयूनियन या किसी तरह की मीटिंग नहीं चल रही बल्कि पार्टी हो रही है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये शायद इन छोटे जीवों का उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होगा। जैसा कि क्लिप को देखकर ही आप समझ सकते हो कि एक बेबी सील की मौत हो गई और वो सीधे पानी की गहराई में आकर नीचे गिर गई। फिर किसी बड़े जानवर जैसे शार्क या दूसरी घातक मछलियों ने इस पर अपना हाथ साफ नहीं किया, तब छोटी छोटी स्टारफिश ने यही सही वक्त समझा और इस मरे हुए सील के ऊपर हमला बोल दिया। धीरे धीरे इनकी तादाद इतनी बढ़ गई कि मानो ये किसी दावत में आए हो। लेकिन कुछ भी हो दोस्तों, ये नजारा काफी बढ़िया, जिसे देखने के लिए नसीब लगता है। दोस्तों, इस जॉइंट बॉल को देख के आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिरकार ये चीज है क्या, है ना? तो ज्यादा मत सोचिए, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल विश्व युद्ध के समय 100 मिलियन से ज्यादा लैंडमाइन जमीन में लगवाई गई थी जिसकी एक्यूरेट जगह अब किसी को पता नहीं। इसीलिए इन पर अगर गलती से भी पांव पड़ जाए तो उस जीव या इंसान के हड्डियां तक नहीं बचेंगी और ऐसे में बेगुनाह इंसान और बेजुबान जानवरों की जान को काफी ज्यादा खतरा होने की संभावनाएं थी। इसीलिए 150 बम्बू स्टिक को मिलाकर कुछ स्पेशल नोजल के साथ इस जॉइंट बॉल को बनाया गया था, जिसे अगर हल्का सा धक्का भी दे दे तो ये हवा के रुख के साथ काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है और ये जहाँ जाएगा, अगर वहाँ किसी तरह के लैंडमाइन होंगे तो इसका दबाव उन पर पड़ते ही विस्फोट हो जाएगा। इस वजह से उस जगह खतरा कम हो जाता है। और दोस्तों, आने वाले समय में इस जॉइंट बॉल को काफी जगहों पर इस्तेमाल किया जाएगा जिससे लैंडमाइन को ढूंढने के लिए किसी भी आम इंसान या सैनिक को कोई नुकसान ना पहुंच सके। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आपका ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में हो जाता है या किसी कारण से आपको दूसरी जगह शिफ्ट होना हो तो आपको अपने घर को आप छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा, पर अब आप घर से इतने ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं कि उसे आप छोड़ के जाना नहीं चाहेंगे, तो आप क्या करेंगे? सोचिए सोचिए। अरे भाई, ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालिए, देखिए सैन फ्रांसिस्को के इस क्लिप को जिसमें पूरा का पूरा घर शिफ्ट किया जा रहा है। इसमें 140 साल पुराने विक्टोरियन हाउस को शिफ्ट किया जा रहा है जिसके लिए करीब 6 से 7 घंटे का समय लगा, पर ये इतना आसान भी नहीं था दोस्तों। इसीलिए इस घर के मालिक को $4,00,000 जैसी बड़ी रकम का भुगतान करना पड़ा और कई एजेंसी से परमिशन लेनी पड़ी। क्या आप अपने घर को शिफ्ट करने के लिए इतनी बड़ी रकम देने को राजी होंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि पालतू बिल्लियों को बॉक्सेस में सोना या उसके साथ खेलने में बड़ा ही मजा आता है। सिर्फ छोटी ही नहीं बल्कि बड़ी बिल्लियां भी कार्ड बॉक्स में ऐसे रहती हैं जैसे मानो उन्हें किसी ने आलीशान घर गिफ्ट कर दिया हो। आप इसके पीछे का रीजन तो पता
पता नहीं कि उन्हें बॉक्सेस इतने क्यों पसंद है, पर अगर इन्हें एक बॉक्स दे दिया जाए तो इन्हें इस बॉक्स के साथ खेलता देख एक छोटे बच्चे की याद आ जाती है जो डॉल्स या टेडी के साथ खेलते हैं। बिल्ली के अलावा तेंदुआ हो, शेर हो या कोई दूसरा जानवर इन्हें कार्डबोर्ड के साथ खेलते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मछली भी जोरदार करंट दे सकती है? शायद ये आपको अटपटा सा लगे, लेकिन ये सच है। दक्षिण अमेरिका में और ओरिनोको नदी में रहने वाले इलेक्ट्रिक ईल को मीठे पानी का सबसे जानलेवा जीव कहा जाता है। करीब 2 मीटर लंबी ये मछली 860 वोल्ट तक का करंट भी मार सकती है। ये दूसरी मछलियों, केकड़ों और झींगों का शिकार करने के लिए कम बिजली छोड़ती है और आत्मरक्षा के लिए अधिक करंट छोड़ती है। शांत पानी में मटमैले तटों के करीब रहने वाले इलेक्ट्रिक ईल से आमतौर पर मगरमच्छ और घड़ियाल भी दूर रहते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ मगरमच्छ इसका शिकार करने का दुस्साहस कर बैठते हैं और मारे जाते हैं, क्योंकि पल भर छुरे से ही इस मछली द्वारा छोड़े गए करंट से सामने वाले जीव का पूरा नर्वस सिस्टम ही काम करना बंद हो जाता है। अब जरा इस पक्षी और ईल मछली पर भी नजर डालिए, जिसे इस शिकारी पक्षी ने पूरा का पूरा निगल लिया था, पर उसका बहुत बड़ा खामियाजा इस पक्षी को भुगतना पड़ गया था। दरअसल इसने जिस ईल को निगला वो इलेक्ट्रिक करंट छोड़ने वाली ईल नहीं थी, बल्कि उसकी ही प्रजाति की दूसरी ईल मछली थी। इस ईल ने पेट में जाने के बाद इस पक्षी के मेन होल को खोज लिया और इसमें ये बाहर निकल आई। हालांकि इसके आगे की तो कोई तस्वीरें मौजूद नहीं, पर रिसर्च से पता चला कि इस इंसिडेंट के बाद ये ईल भी सही सलामत थी और ये शिकारी पक्षी भी, दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि साइंस कभी किसी अंधविश्वास पर यकीन नहीं रखता। उन्हें हर चीज प्रूफ करने के लिए साइंटिफिक रीजन की आवश्यकता होती है। और रही बात एस्ट्रोनॉट की, तो वो भी काफी इंटेलिजेंट और समझदार होते हैं, जो सिर्फ साइंस द्वारा कही गई बातों पर ही विश्वास करते हैं। पर दोस्तों, रशियन एस्ट्रोनॉट के बारे में थोड़ा अलग है। वो है तो काफी समझदार, लेकिन उनकी एक परंपरा के बारे में सुनकर आपके होश उठ जाएंगे। जी हाँ, कोई भी रशियन एस्ट्रोनॉट किसी मिशन या स्पेस में जाने से पहले लॉन्चिंग पैड के पास ले जाने वाली बस के पहियों पर पेशाब करना होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। और ये परंपरा अभी अभी शुरू नहीं हुई, ये काफी सालों से चलती आ रही है, जिसकी शुरुआत यूरी गागरिन नामक एक एस्ट्रोनॉट ने की थी। असल में यूरी गागरिन ने ये सोच समझ कर नहीं किया था, इनके पेशाब करने के पीछे ऐसा कोई रीजन नहीं था, पर उनका वो मिशन पूरा होने के बाद इसे लकी समझा गया और तब से हर एक पुरुष को स्पेस मिशन पर जाने से पहले बस के टायर पर पेशाब करना ही होता है। दोस्तों, छोटे बच्चों को डॉल्स बेहद पसंद होते हैं और आपने अक्सर देखा होगा कि हम कहीं भी शॉपिंग करने चले जाएं और उन्हें कहीं डॉल दिख जाए तो बस हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं। वहीं कुछ डॉल्स ऐसी भी होती है जिन्हें अचानक से देखने पर इंसान बेहोश भी हो जाए। पर दोस्तों, आपका इन डॉल्स के बारे में क्या कहना है? यही जो इस औरत के हाथ में है, क्यों आप भी पहली बारी में देख इसे इसका बच्चा समझ रहे होंगे ना? यही तो दोस्तों इस डॉल की खासियत है। इन्हें देखकर और बिना हाथ मिलिए कोई कह नहीं सकता कि ये डॉल है, ये बिल्कुल रियल लगती है। सिर्फ यही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन डॉल्स के पैर, हाथ और बाकी पार्ट भी मूव तक करते हैं। है ना कमाल की चीज। लेकिन अब सवाल ये है कि इसे बनाया क्यों गया और इसका इस्तेमाल कौन करता है? आपको बता दें कि इस डॉल का इस्तेमाल लोगों को ठीक करने तथा उन्हें हमेशा खुश रखने के लिए किया जाता है। $1,000 में मिलने वाले इस डॉल के बारे में डॉक्टरों का कहना है कि ये जिस किसी के पास भी होगी वो आदमी हमेशा खुश ही रहेगा, क्योंकि उसके पास कोई अपना कहलाने वाला होगा और उन्हें दूसरे किसी और की भी जरूरत नहीं होगी। और इसके अलावा इसे खरीदने वाले लोग भी इसे अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते हैं। दोस्तों, आपने टीवी पर किसी न्यूज या शो में न्यूक्लियर बम को फटते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर लाइव देखा जाए तो इसका नजारा कैसा होगा? आपको बता दें कि जब न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया गया तो वहां पर मौजूद लोग जो इस टेस्ट को कर रहे थे, उनके मुताबिक ये नजारा किसी खौफनाक और डरावनी चीज से कम नहीं था। जहां पर एक्सप्लोजन होते ही एक ब्राइट लाइट फ्लैश होती है, जिसकी वजह से आंखों की रोशनी चली जाती है। आंख पर हाथ रखने के बावजूद इसका इफेक्ट महसूस होता है। दोस्तों, ये बम का धमाका इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि सिर्फ एक नहीं बल्कि इनकी आने वाली पीढ़ियों पर भी इसका असर दिखाई देता है। तभी तो इनके बच्चे और उनके भी बच्चों का हेल्थ इश्यू चलता रहता है, जिसका कोई इलाज नहीं होता। और जब इसका धमाका होता है तो इसका असर कई मील दूर मौजूद लोगों के ऊपर भी होता है, जिनके हाथ और पांव टूट जाते हैं या फिर कुछ चोटिल हो जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगी, इसे लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो में आपको सबसे ज्यादा अच्छा पार्ट कौन सा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।